हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो कंट्रोलर के लेक्चर नंबर 9 में 8051 का पिन डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है, हम जानते हैं ये एक 40 पिन की आईसी है। कितने पिन की आईसी है? 40 पिन। तो 40 पिन आईसी हम ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें 40 पिन का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, यानी कि तो 40 पिनों के बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बात, ये डिप टेक्नोलॉजी में बनी है। डिप टेक्नोलॉजी, तो डिप टेक्नोलॉजी में बनाई गई है। डिप का मतलब होता डुअल इन लाइन पैकेज। डुअल इन लाइन पैकेज का मतलब यह होता कि दोहरी लाइन में, डुअल इन लाइन पैकेज का मतलब, डुअल का मतलब दोहरी, दोहरी लाइन में दो लाइनों में सारी की सारी 40 पिने आपकी कंप्लीट की जाएंगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखो 20 पिने तो इधर हैं और 20 पिने इधर हैं, यानी कि जो 40 पिने हैं कुल, वो दो लाइनों में जो है इसमें दी जाती हैं। तो एक लाइन ये है 1 से लेकर 20 तक, फिर इसके बाद 21 से 40 तक, ठीक है ना। तो इसका मतलब दो लाइनों में कुल पिने जो है वो बांटी गई हैं। तो इसे कहते हैं डुअल इन लाइन पैकेज। तो डिप टेक्नोलॉजी में आईसी बनाई जाती है, ठीक है। तो डिप टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा यूज की जाती है आईसी में अधिकतर, ठीक है ना। बहुत बार नहीं भी होती, सभी आईसी में नहीं होती, लेकिन अधिकतर में डिप टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो डिप से बनाई गई। दूसरी बात, इसमें जो 8051 में हम जानते हैं कि कुल मिलाकर 4 पोर्ट हैं। कितने पोर्ट हैं? 4। कौन कौन से हैं? पोर्ट जीरो, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। तो 4 पोर्ट हैं इसमें और हर पोर्ट 8-bit बाइडायरेक्शनल। हर पोर्ट जो है 8-bit का है और बाइडायरेक्शन आईओ पोर्ट है। सब कैसे हैं? बाइडायरेक्शन आईओ पोर्ट। तो इनमें से प्रत्येक जो है पोर्ट 0 से लेकर पोर्ट 3 तक सभी के सभी पोर्ट 8-bit के बाइडायरेक्शन आईओ पोर्ट होते हैं। तो इसका मतलब जब एक पोर्ट 8-bit का है तो इसका मतलब एक पोर्ट के लिए 8 पिने होंगी, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में हम जानते हैं ऑन चिप जो है वो पोर्ट अंदर हो सकते हैं। तो इसमें भी अंदर पोर्ट दिए गए हैं, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर में हम जानते हैं आईओ पोर्ट हमेशा बाहर होते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर माइक्रोप्रोसेसर में ये डिफरेंस है, इसमें अंदर आईओ पोर्ट भी होते हैं बहुत बार, ठीक है। तो इसमें आईओ पोर्ट है कितने? 4, और हर पोर्ट 8-bit का बाइडायरेक्शन आईओ पोर्ट होता। अब इनमें से मैं बता दूं आपको, चूंकि एक पोर्ट 8 पिने जो है ऑक्यूपाई करेगा, इसका मतलब कुल मिलाकर 32 पिन्स जो है वो आईओ पोर्ट के लिए 40 में से हो जाती है, ठीक है। तो देखिए मैं बता दूं, मैं पोर्ट कैसे बनाऊंगा कि जो ओड पोर्ट है, ओड से मतलब जिनका नंबर ओड है, जैसे पोर्ट 1 ओड संख्या, पोर्ट 3 जो है ओड संख्या। तो जो ओड पोर्ट है वो हम लेफ्ट साइड में बनाएंगे, है? इस आईसी के ये लेफ्ट साइड में होते हैं हमेशा, और जो आपके ये तो लेफ्ट साइड में बनाएंगे हम, और जो इवन पोर्ट है, यानी कि इवन पोर्ट कौन से? पोर्ट 0 और पोर्ट 2, वो राइट साइड में बनाएंगे, वो राइट साइड में होते हैं, है ना, इस आईसी के। तो देख ले कैसे बना लेते हैं हम जरा। सबसे पहले हम बनाते हैं पोर्ट 1, पोर्ट 1 की 0 पिन, पोर्ट 1 की 1 पिन, पोर्ट 1 की 2 पिन, पोर्ट 1 की 3 पिन, पोर्ट 1 की 4 पिन, पोर्ट 1 की 5 पिन, पोर्ट 1 की 6 पिन, पोर्ट 1 की 7 पिन। तो देखिए ये 8 पिने जो हैं ये क्या है? बाइडायरेक्शन पिने दिखाई हमने, यानी कि अंदर की तरफ भी है इनकी डायरेक्शन, बाहर की तरफ भी है। तो ये 8 पिने बाइडायरेक्शन है, ठीक ना। इसके अलावा मैंने बताया और लेफ्ट साइड में हम कौन सा पोर्ट बनाएंगे, की पिने बनाएंगे? पोर्ट 1 और पोर्ट 3। तो देखिए पोर्ट 3 की पिने कहाँ से बनाएंगे? बीच में एक रीसेट पिन होती है, रीसेट पिन अंदर की तरफ होती है, क्योंकि हमेशा माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट किया जाता, तो RST पिन जो है वो अंदर की तरफ होती है। इसके बाद हम पोर्ट 3 शुरू कर देते हैं, पोर्ट 3 की 0 पिन, पोर्ट 3 की 1 पिन, पोर्ट 3 की 2 पिन, पोर्ट 3 की 3 पिन, पोर्ट 3 की
4 पिन, पोर्ट 3 की 5 पिन, पोर्ट 3 की 6 पिन, पोर्ट 3 की 7 पिन, ठीक है। तो आपको इतनी पिनें तो आपको याद हो गई होंगी कि भाई 8 पिनें पोर्ट 1 की, 8 पिनें पोर्ट 3 की, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा जो है और पिनें कौन कौन सी होती है इसमें, मैं बता दूं कि हर आईसी को ऑपरेट करने के लिए, हर आईसी को ऑपरेट करने के लिए एक सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो सप्लाई की भी दो पिनें होती है इसमें। सप्लाई की पिनें इसमें कहाँ है कि यहाँ तो है पॉजिटिव सिरा सप्लाई का, है ना, डीसी सप्लाई पर काम करते हम जानते हैं आईसी 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई पर काम करती। तो ये तो सप्लाई का पॉजिटिव सिरा तो यहाँ से जोड़ा जाता, नेगेटिव सिरा यहाँ से जोड़ा जाता है ना। नेगेटिव सिरा का मतलब ग्राउंड जो है वो हमने 20 पिन पर दिखाया। अधिकतर पिनों में, अधिकतर आईसी में ऐसा ही होता कि जो लास्ट पिन होती है वो हमेशा पॉजिटिव पिन होती है, और जो हाफ पिन होती है, हाफ कौन सा, 40 का हाफ 20, तो वो अधिकतर ग्राउंड पिन यानी नेगेटिव पिन होती है। तो दो पिनें सप्लाई की हैं। इसके अलावा ये दो पिनें जो है इसमें 18 और 19 पिन क्रिस्टल की होती है, क्रिस्टल जोड़ने के लिए XTAL2 और XTAL1, दो ही क्रिस्टल पिन है, ठीक है। इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम। तो देखिए पोर्ट 1 और पोर्ट 3 हमने लेफ्ट साइड में बना लिया। अब हम बनाते हैं इवन पोर्ट, इवन पोर्ट से मतलब पोर्ट 0 और पोर्ट 2, वो हम राइट साइड में बनाएंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले हम पोर्ट 0 बना लेते हैं। पोर्ट 0 की 0 पिन, पोर्ट 0 की 1 पिन, पोर्ट 0 की 2 पिन, पोर्ट 0 की 3 पिन, पोर्ट 0 की 4 पिन, पोर्ट 0 की 5 पिन, पोर्ट 0 की 6 पिन, पोर्ट 0 की 7 पिन, ठीक ना। तो पोर्ट 0 हमने राइट साइड में बना लिया क्योंकि इवन पोर्ट यानी इवन संख्या क्या है, 0 और 2, तो इवन पोर्ट हम राइट साइड में बनाएंगे, ठीक है। तो पोर्ट 0 की 8 पिनें हमने बना ली, बाई डायरेक्शन पिनें हैं, आप देख रहे होंगे। और इसके अलावा जो पोर्ट 2 है वो हम नीचे से बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। पोर्ट 0 नीचे की तरफ बढ़ता, देखो ये सभी पोर्ट नीचे की तरफ बढ़ते हुए, पोर्ट 0 1 की 0 पिन से पोर्ट 1 की 7 पिन तक नीचे की तरफ बढ़ते हुए, पोर्ट 3 की 0 पिन से पोर्ट 3 की 7 पिन नीचे की तरफ बढ़ते हुए, ऐसे ही पोर्ट 0 की 0 पिन से लेकर पोर्ट 0 की 7 पिन नीचे की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन पोर्ट 2 जो है वो ऊपर की तरफ बनाएंगे बढ़ता हुआ इसी तरह से। पोर्ट 2 की 0 पिन, पोर्ट 2 की 1 पिन, पोर्ट 2 की 2 पिन, पोर्ट 2 की 3 पिन, पोर्ट 2 की 4 पिन, पोर्ट 2 की 5 पिन, पोर्ट 2 की 6 पिन और पोर्ट 2 की 7 पिन। तो ये हमारा पोर्ट 2 हो गया, है ना। तो आप देख रहे हैं 32 पिन जो है वो आईओ पोर्ट के द्वारा ऑक्यूपाई कर ले जाते हैं, ठीक है। यानी कि पोर्ट 1, पोर्ट 3, ऑड पोर्ट एक तरफ, इवन पोर्ट एक तरफ, पोर्ट 0 की, पोर्ट 0, पोर्ट 2। फिर ये बीच में जो तीन पिन है वो इनमें से कौन कौन सी है, जैसे एक है ईए बार यानी कि एक्सटर्नल एसएस पिन, एक है फिर एएलई एड्रेस लैच इनेबल, फिर एक है पीएसईएन बार प्रोग्राम स्टोर इनेबल, ये भी एक्टिव लो पिन होती है। तो कुल मिलाकर 40 पिन की आईसी हमने जो है आपको बना दी थी। तो बहुत सिंपल सी पिन डायग्राम है ना। सबसे पहले हमने 32 पिनें तो हमने आईओ पोर्ट के लिए बना ली, है ना, दो पिनें सप्लाई के बना ली, जो चारों पोर्ट की पिनें हैं वो हमने देख लिया, पोर्ट 1 और पोर्ट 3 यानी कि ओड पोर्ट लेफ्ट साइड में, इवन पोर्ट राइट साइड में, पोर्ट 0 की पिन और पोर्ट 2 की 8 पिन, है ना। इसके अलावा दो सप्लाई पिनें आ गई, दो क्रिस्टल पिनें हैं, एक रीसेट है, एक्सटर्नल एसएस एएलई और प्रोग्राम स्टोर इनेबल, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं जरा, कि चूंकि आप देखते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 32 पिन्स जो हैं वो आईओ पोर्ट के द्वारा ही ऑक्यूपाई कर ली जाती है ना। अब इसका मतलब यह है कि अगर हम देखते हैं कि 40 जब
40 में से 32 पिनें जो है आईओ पोर्ट द्वारा जो है यूज कर ली जाती हैं, तो बची आप जानते हैं केवल 8 पिनें बच जाती हैं। तो इसलिए जबकि इसमें अंदर इतनी सारी जो है बनाई गई, इतनी सारी चीज़ें डिजाइन की गई, तो इसी वजह से इसमें क्या किया जाता, इसमें पोर्ट को मल्टीफंक्शन बनाया गया, यानी कि एक एक पोर्ट जो है वो और भी फंक्शन करता है ना। तो देखिए क्या क्या फंक्शन करते हैं पोर्ट, जरा इनके मल्टीफंक्शन जैसे कि इसमें पोर्ट बनाया गया। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो पोर्ट है हमारे जितने भी, उनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं जो पोर्ट वन है, पोर्ट वन। तो पोर्ट वन जो है उसकी अगर हम बात करें तो पोर्ट वन जो है वो 8 पिनें इसकी कौन कौन सी है, पोर्ट वन की 0 पिन से पोर्ट वन की 7 पिन। तो ये हम जानते हैं 8 बिट बाइडायरेक्शनल आईओ पोर्ट है, 8 बिट का बाइडायरेक्शनल आईओ पोर्ट है। दूसरी बात यह है पोर्ट वन जो है वो एक डेडिकेटेड पोर्ट होता, कैसा है ये, डेडिकेटेड आईओ पोर्ट। डेडिकेटेड आईओ पोर्ट का मतलब जैसे हमने बताया जो पोर्ट हैं ये मल्टी फंक्शंस होते हैं, ये और भी फंक्शन करते हैं, लेकिन जो पोर्ट वन है वो डेडिकेटेड पोर्ट होता। डेडिकेटेड का मतलब समर्पित, यानी कि इसको आईओ पोर्ट जो है की तरह डिजाइन किया गया, तो यह सिर्फ आईओ पोर्ट की तरह ही काम करता है, यानी कि इसका कोई भी मल्टी फंक्शन नहीं होता, मतलब मल्टी फंक्शन पोर्ट नहीं है इसका, और कोई अन्य फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करता। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि जो पोर्ट वन है वो डेडिकेटेड पोर्ट है, वो और कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोर्ट पर हम चलते हैं, पोर्ट जीरो। तो जो पोर्ट जीरो है उसकी भी 8 पिन हैं, वो है पोर्ट वन की 0 पिन से पोर्ट वन की, सॉरी यहां पर पोर्ट वन की 7 पिन तक है, फिर ऐसी पोर्ट जीरो की 0 पिन से पोर्ट जीरो की 7 पिन तक। तो ये भी 8 बिट बाइडायरेक्शन आईओ पोर्ट है, 8 बिट का बाइडायरेक्शन आईओ पोर्ट है, लेकिन ये मल्टीफंक्शन पोर्ट है। ये और क्या फंक्शन करता कि ये अगर माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक्सटर्नल मेमोरी जोड़ी जाती है तो ये एक्सटर्नल मेमोरी के लिए लोअर एड्रेस यानी कि A0 से A7 भी ले जाने का काम करता है, है ना। तो लोअर एड्रेस बस की तरह भी ये काम करता है, है ना। अगर आईओ पोर्ट के इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक्सटर्नल मेमोरी नहीं जुड़ी होती तो केवल ये आईओ पोर्ट का काम करता है, 8 बिट का बाइडायरेक्शनल आईओ पोर्ट। लेकिन अगर इसमें एक्सटर्नल मेमोरी भी जोड़ी जाती है, एक्सटर्नल मेमोरी, जैसे हम जानते हैं कि जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें अंदर तो मेमोरी होती है लेकिन अगर एक्सटर्नल मेमोरी भी हम यूज कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल मेमोरी अगर हम यूज करते हैं तो मैक्सिमम कितनी एक्सटर्नल मेमोरी जोड़ सकते हैं इसके साथ, 64 किलोबाइट। अब 64 किलोबाइट का एड्रेस कितने बिट का होगा, 16 बिट का, वो कैसे, A0 से लेकर A15 तक। तो 16 बिट का एड्रेस जो है हमें भेजना पड़ता है इसको एक्सेस करने के लिए इस 64 किलोबाइट की मेमोरी को, कि मैक्सिमम एक्सटर्नल मेमोरी हम 64 किलोबाइट जोड़ सकते हैं। तो इसमें से जो लोअर एड्रेस है यानी कि A0 से A7 8 बिट का जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है, लो ऑर्डर एड्रेस जो है वो भी ये ले जाने का काम करता है ना। तो लो ऑर्डर एड्रेस भी एक्सटर्नल मेमोरी के लिए ये इसके द्वारा हम भेज सकते हैं, है ना, सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये डाटा पिनों की तरह भी इसकी पिनें काम करते हैं, यानी कि D0 से D7, तो डाटा बस की तरह भी काम करते हैं इसकी पिनें, डाटा पिन्स, यानी कि डाटा पिंस का भी काम करते हैं, ठीक है, 8 बिट की डाटा पिंस। जैसे 8 बिट का 8051 माइक्रो कंट्रोलर हम जानते हैं 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, तो ये 8 बिट का डाटा वन टाइम में एक बार में रीड राइट करती है ये आईसी, तो इसलिए 8 बिट का डाटा भी इस पिन के द्वारा ही हम ले सकते हैं। देखिए इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि ये क्या काम करता है, इसका कुल मिलाकर अगर हम फंक्शन देखें तो हम इसको कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये AD0 से AD7 8 बिट का AD0 से AD7 8 बिट का
एड्रेस और डाटा बस की तरह ये पिनें फंक्शन कर सकती हैं, है ना। तो मल्टी फंक्शन पोर्ट है, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं AD0, है ना। जो पोर्ट जीरो की जीरो पिन है वो AD0 की तरह भी फंक्शन करती है, ठीक है, AD0। फिर ये ऐसी AD1, ये AD2, ये AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, है ना। तो ये देखते हैं आप, ये मल्टी फंक्शन पोर्ट है, ये एड्रेस पिनों की तरह भी काम करती हैं पिनें, और डाटा पिनों की तरह भी काम करती है 8 बिट के, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसका कुल एड्रेस 16 बिट का होता है ना, तो जो बचा हुआ एड्रेस है यानी कि A8 से A15 वो किसके द्वारा लिया जाता, जो हमारा पोर्ट 2 होता। जो पोर्ट 2 है उसकी बात करते हैं, तो पोर्ट 2 जो है वो भी पोर्ट 2 की 0 पिन से लेकर पोर्ट 2 की 7 पिन तक ये भी 8 बिट का बाई डायरेक्शन IO पोर्ट होता है, बाई डायरेक्शन IO पोर्ट होता है, जो कि IO पोर्ट का तो फंक्शन करता ही। इसके अलावा हाई ऑर्डर एड्रेस यानी कि A8 से A15 एड्रेस की तरह भी ले जाने का भी काम ये करता है। तो इसका मतलब यहां से ले लेते हैं, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15। तो ये हाई ऑर्डर एड्रेस जो है, हाई ऑर्डर एड्रेस भी ले जाने का काम ये पोर्ट जो है वो करती है, है ना। तो इसका मतलब पोर्ट 2 भी मल्टी फंक्शन पोर्ट है, ये क्या करता, IO पोर्ट का भी काम करता, और हाई एक्सटर्नल मेमोरी अगर कनेक्ट की जाती है तो एक्सटर्नल मेमोरी के लिए हाई ऑर्डर एड्रेस भी ले जाने का ये काम करता है, हाई ऑर्डर एड्रेस भी ले जाने का ये काम करता है, है ना। बात समझ, हाई ऑर्डर एड्रेस भी ले जाने का। तो देखिए, इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता पोर्ट टू के बाद इसमें आता पोर्ट 3। पोर्ट 3 की बात करें देखो, तो पोर्ट 3 जो होता, तो जो पोर्ट 3 होता है, पोर्ट 3 भी 8 बिट का बाइडायरेक्शन IO पोर्ट होता है। इसकी पिने होती पोर्ट 3 की 0 पिन से पोर्ट 3 की 7 पिन तक, तो ये भी 8 बिट का बाइडायरेक्शनल IO पोर्ट होता है, 8 बिट बाइडायरेक्शनल IO पोर्ट, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि सभी के सभी पोर्ट मल्टीफंक्शन है, सिर्फ कौन सा पोर्ट मल्टीफंक्शन नहीं है, पोर्ट वन जो है वो डेडिकेटेड पोर्ट है, सिर्फ IO पोर्ट की तरह फंक्शन करता। पोर्ट 3 जो है वो 8 बिट के बाइडायरेक्शन IO पोर्ट की तरह तो फंक्शन करता ही। इसके अलावा इसके कुछ अल्टरनेटिव फंक्शन भी ये परफॉर्म करता। वो अल्टरनेटिव फंक्शन कौन से हैं, देखो अल्टरनेटिव फंक्शन जो है वो है आपके, अल्टरनेटिव फंक्शन की बात करें तो इसके अल्टरनेटिव फंक्शन सीरियल डाटा कम्युनिकेशन भी कराता है। इसके अलावा ये इंटरप्ट, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट के पिनों की तरह भी इसके पिने काम करती हैं, इंटरप्ट की तरह भी काम करती हैं इसकी पिने। इसके अलावा इसका यूज टाइमर के लिए भी किया जाता है, इसकी पिनों का यूज। इसके अलावा इसका यूज रीड बार राइट बार
कंट्रोल सिग्नल के लिए भी किया जाता है। तो देखिए किस तरह से फंक्शन है इसके अल्टरनेटिव फंक्शन। सबसे पहले अगर हम पोर्ट 3 की 0 पिन की बात करें तो इसका अल्टरनेटिव फंक्शन होता है RXD, यानी कि RXD का मतलब रिसीव डाटा पिन, यानी कि इस पिन के द्वारा ये पोर्ट 3 की 0 पिन के तो फंक्शन करती है, इसके अलावा इसके द्वारा डाटा सीरियली रिसीव किया जा सकता है ना। जैसे 8085 माइक्रोसर में सिड पिन थी, सीरियल इनपुट डाटा, उसके द्वारा डाटा सीरियली इनपुट होता था, इसमें इस पिन के द्वारा डाटा सीरियली इनपुट किया जा सकता है। इसके अलावा जो पोर्ट 3 की 1 पिन है वो है TXD पिन। TXD का मतलब है ट्रांसमिट डाटा, तो RXD का मतलब है रिसीव डाटा, और TXD का मतलब है ट्रांसमिट डाटा, लेकिन किस तरह से सीरियली ट्रांसमिट डाटा, लेकिन किस तरह से सीरियली डाटा रिसीव किया जा सकता और सीरियल डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है इसके द्वारा, है ना। जैसे 8085 माइक्रोसर में 16 पिन थी, 16 पिन के द्वारा डाटा सीरियली आउटपुट होता था, इसमें TXD के द्वारा डाटा ट्रांसमिट होता, RXD के द्वारा रिसीव किया जाता। इसके बाद एक पोर्ट 3 की 2 पिन जो है वो है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट पिन, INT0 एक्टिव लो पिन है, INT0 बार, INT1 बार, इसी तरह से दो एक्सटर्नल हार्डवेयर पिन है। तो ये जो आपका पोर्ट 3 की 2 पिन और पोर्ट 3 की 3 पिन, ये एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, एक्सटर्नल ये दोनों की दोनों एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट पिनें होती हैं, यानी कि बाहर से इंटरप्ट इनके द्वारा माइक्रो कंट्रोलर को किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए दो पिने हैं फिर ये टाइमर के लिए, T0 और T1, ये दोनों पिने किसके लिए हैं, पोर्ट 3 की 4 पिन और पोर्ट 3 की 5 पिन, ये दोनों टाइमर के लिए, यानी कि अंदर 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्योंकि टाइमर भी हैं दो 16-bit के, तो उन टाइमर के लिए यहां से रिक्वेस्ट जाती है, मतलब टाइमर को लिए यूज करने के लिए यहां से सिग्नल अप्लाई किया जाता है ना। तो एक्सटर्नल डिवाइस 8051 के माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो इन पिन पर जब भी यानी कि जो है आपका सिग्नल दिया जाता है तो ये टाइमर इसके अंदर इनेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें पोर्ट 3 की 6 पिन जो है वो है राइट बार पिन, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी अगर इसके साथ जोड़ी जाती है 8051 के साथ तो उस केस में उस मेमोरी को राइट करने के लिए इस सिग्नल को लो किया जाता है, एक्टिव लो पिन है, यानी कि जब इसको लो किया जाता है तब राइट परफॉर्म होगा ऑपरेशन एक्सटर्नल मेमोरी से। इसके अलावा रीड बार पिन है ना, तो ये रीड बार राइट बार पिन भी है ना। तो ये आप देखते हैं कि ये पोर्ट 3 जो है वो 8 बिट का बायडायरेक्शनल IO पोर्ट का फंक्शन तो करता ही, इसके अलावा सीरियल डाटा कम्युनिकेशन भी कराता, इसके अलावा इंटरप्ट के पिनों की तरह भी यूज किया था है एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए भी, इसके अलावा टाइमर के लिए रीड राइट बार कंट्रोल सिग्नल के लिए इसके लिए इनका फंक्शन करता है, है ना। इसके अलावा देखें फिर दो पिने जो है XTAL1 और XTAL2, ये दोनों क्रिस्टल पिन है। मैं बताया था 8051 माइक्रो कंट्रोलर के फीचर में कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ऑन चिप ऑसिलेटर होता क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए, ऑन चिप ऑसिलेटर होता, लेकिन जो ऑन चिप ऑसिलेटर होता वो कौन सा होता, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए जो क्रिस्टल होता वो बाहर से इन पिनों के द्वारा जोड़ा जाता, तो यहाँ इन दोनों पिनों के द्वारा एक्सटर्नल क्रिस्टल जोड़ा जाता है ना। तो इन दोनों पिनों पर एक्सटर्नल क्रिस्टल जोड़ा जाता है, सर्किट ऑन चिप है, अंदर है क्रिस्टल ऑसिलेटर का, लेकिन क्रिस्टल बाहर से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए दो पिने होती है, ठीक है, दो सप्लाई की पिने हैं, ये हम पहले डिस्कशन कर चुके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें आता रीसेट पिन है। रीसेट क्या होता,
कि इसके द्वारा माइक्रोकंट्रोलर को रीसेट किया जा सकता है, इसके द्वारा माइक्रोकंट्रोलर को रीसेट किया जा सकता है, रीसेट के द्वारा माइक्रोकंट्रोलर रीसेट हो जाता है, रीसेट, रीसेट द माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोकंट्रोलर को रीसेट किया जा सकता है। दूसरी बात, रीसेट करने से मतलब होता है, माइक्रोकंट्रोलर रीसेट होने का मतलब इसके जो प्रोग्राम काउंटर होता है इसमें, जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता, वो अपने इनिशियल एड्रेस पर पहुंच जाता था ना। इसके अलावा जो स्टैक पॉइंटर है वो अपने इनिशियल एड्रेस पर पहुंच जाता, तो जो इसके अंदर जो एड्रेस पॉइंटर्स हैं वो अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाते हैं, यानी कि शुरुआती एड्रेस पर आ जाते हैं। तो रीसेट करने से, माइक्रो कंट्रोलर रीसेट होने का अर्थ ये होता कि इसका जो प्रोग्राम काउंटर, इसका जो स्टैक पॉइंटर है वो अपने इनिशियल एड्रेस पर आ जाते हैं, ठीक है ना, उनमें इनिशियल एड्रेस जो है होल्ड करते हैं फिर वो। दूसरी बात कि जो आपका रीसेट है, इसको रीसेट करने के लिए इस पिन पर टू मशीन साइकिल के लिए रीसेट सिग्नल अप्लाई किया जाता है, टू मशीन साइकिल्स के लिए। आपसे पूछा जाए कितनी मशीन साइकिल के लिए, कितने टाइम, मशीन साइकिल एक टाइम है एक प्रकार का, तो कितनी देर के लिए इसको जो है आपका जो है रीसेट करना पड़ेगा, रीसेट सिग्नल देना पड़ेगा। तो एक्टिव हाई पिन है, इस पर हाई सिग्नल कितनी देर के लिए देना पड़ेगा रीसेट पिन पर, दो मशीन साइकिल या 24 क्लॉक पीरियड्स, 24 क्लॉक पीरियड के लिए इस पर रीसेट जो है वो इसे किया जाता, रीसेट सिग्नल दिया जाता हाई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इसमें ALE, ALE, ALE का मतलब होता, ALE का मतलब होता एड्रेस लैच इनेबल। तो देखो ALE जो सिग्नल होता वो AD बस की डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज किया था, किसके लिए, AD बस की डीमल्टीप्लेक्सिंग, डी मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एडी बस, एडी बस की डी मल्टीप्लेक्सिंग के लिए ALE सिग्नल का यूज किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि भाई, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है एड्रेस लैच इनेबल, कि जब इस सिग्नल को हाई किया जाता ALE को, तो जो एडी बस है वो एड्रेस बस की तरह काम करती है, यानी कि जो बस है हमारी एडी बस, ये किस तरह फंक्शन करती है, A0 से A7 तक, है ना। और जब इसे लो किया जाता है ALE को, तो फिर उस केस में जो हमारी बस होती है, एडी बस होती है, वो डाटा बस की तरह, डाटा पिनों की तरह काम करती है, यानी कि D0 से D7 की तरह काम करती है। तो ALE का काम होता है यानी कि एडी बस को डी मल्टीप्लेक्स करना, यानी कि कब एडी बस पर एड्रेस लैच होगा, कब डाटा, है ना। तो एड्रेस कब लैच होगा, जब ALE को हाई किया जाता है। ALE के नाम से पता चला एड्रेस लैच इनेबल, कि जब इनेबल किया जाएगा, इनेबल का मतलब हाई किया जाएगा, तो एडी बस पर एड्रेस लैच होगा, है ना। इसके अलावा दो पिनें जो है हमारी, कौन सी, EA, EA का मतलब होता एक्सटर्नल एसेस, एक्सटर्नल एसेस, एक्सटर्नल एसेस का मतलब एक्सटर्नल एक्सेस, एक्सटर्नल एक्सेस का मतलब एक्टिव लो पिन में, पहली बात तो ये, जब भी किसी पिन पर बार लगा होता है, ये कंप्लीमेंट का निशान लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो कि वो एक्टिव लो पिन होती है। तो एक्टिव लो पिन होती है, यानी कि जब इस पिन को जीरो किया जाता है, तो एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस होती है, हैं? तो यानी कि हमेशा याद रखो, जब बाहर मेमोरी जोड़ी जाती हो 8051 माइक्रोकंट्रोलर से, तो उस बाहरी मेमोरी से डाटा को एक्सेस करने के लिए इस पिन को लो किया जाता है ना। इसके अलावा प्रोग्राम स्टोर इनेबल, प्रोग्राम स्टोर इनेबल जो पिन है उसका भी यूज किस लिए किया जाता है, PSEN बार का मतलब प्रोग्राम स्टोर इनेबल, प्रोग्राम स्टोर इनेबल, प्रोग्राम स्टोर इनेबल का मतलब जो एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी अगर 8051 माइक्रोकंट्रोलर के साथ जोड़ी जाती है, तो उस बाहरी मेमोरी को रीड करने के लिए इस सिग्नल को भी लो करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि बाहर की प्रोग्राम मेमोरी जो है
वो तभी रीड हो पाएगी, है प्रोग्राम मेमोरी तभी रीड हो पाएगी, प्रोग्राम मेमोरी से अगर हमें इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीड करनी है तो उसके लिए इस पिन को भी लो करना पड़ेगा। इसका मतलब बाहरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें दो पिनों को लो करना पड़ता है, एक ये बार और एक प्रोग्राम स्टोर इनेबल, ठीक है। तो क्योंकि ये पिन हाई लो होगी तभी बाहर से एक्सेस हो पाएगा डाटा, और इसके द्वारा प्रोग्राम मेमोरी को इनेबल किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा तो बाहर की संपूर्ण मेमोरी एक्सेस की जा सकती है, यानी कि संपूर्ण बाहर मेमोरी जितनी भी है, चाहे वो डाटा मेमोरी है चाहे प्रोग्राम मेमोरी, वो तभी एक्सेस हो पाएगी जब ये सिग्नल लो होगा। और स्पेशली प्रोग्राम मेमोरी जो है, प्रोग्राम मेमोरी को रीड करने के लिए कौन सा पिन है, प्रोग्राम मेमोरी को इनेबल करने के लिए प्रोग्राम स्टोर इनेबल, है ना, बात सुनाई। तो ये हमारे इसका पिन डायग्राम हो जाता था ना, मेरे हिसाब से लगभग आपका कवर हो जाता है, तो थोड़ी सी और बात बताने की, लेकिन मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ना, तो इसमें इतना ही सफिशिएंट है वैसे आपके लिए, है ना। तो वीडियो देखने, थैंक यू।